ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जाम पुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 के बारे में। ये सारे अवार्ड्स अगर आपको याद होगा तो अगस्त 2020 में अनाउंस कर दिए गए थे। कोविड 19 के चलते वर्चुअली सेरेमनी हुई थी जिसमें अवार्ड विनर्स की लिस्ट आई थी, पर अब जाके 1 नवंबर 2021 में इन्हें फिजिकली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अवार्ड्स जो भी विनर्स थे उनको ट्रॉफीज अवार्ड की गई हैं। अनुराग ठाकुर ने ये अवार्ड किया है। इन्हीं सब चीजों को डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से अवार्ड इसके अंदर आते हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग जानेंगे कि पहले रेसिपिएंट कौन थे। साथ ही में यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बार 3 क्वेश्चन डायरेक्टली स्पोर्ट्स सेक्शन से यूपीएससी ने उठाए थे। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल प्रीलिम्स होता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, क्योंकि फॉर्मूला 1 रेसर्स जो आपके फॉर्मूला 1 के ड्राइवर्स होते हैं सबसे ज्यादा उनको अवार्ड नहीं किया गया। हालांकि लुइस हैमिल्टन को ये अवार्ड जरूर मिला है पर सबसे ज्यादा बार नहीं किया गया। टाइगर वुड्स को सबसे पहली बार दिया गया, रॉजर फेडरर को सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये अवार्ड मिला है कंपेयर टू अदर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब था। आगे बात करें 32nd समर ओलंपिक्स के बारे में सवाल है ऑफिशियल मोटो की, जिसका दिया है अ न्यू वर्ल्ड, जो कि गलत है क्योंकि इस बार का जो ऑफिशियल मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। 32nd समर ओलंपिक्स यानी 2020 के समर ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स की यहां पर बात की जा रही है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल पहली बार इंक्लूड किए गए थे इस ओलंपिक्स में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर सही जवाब बनता है। आगे बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, पहला कथन भी गलत था, दूसरा भी गलत था, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 नॉर 2। हमारे एक एमसीक्यू की बात करेंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज, पहले विजेता जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था इन द ईयर 1992 जब ये स्टैब्लिश किया गया था। ए विश्वनाथ आनंद, बी लिएंडर पेस, सी कपिल देव, डी लिंबाराम, ए बी सी या डी। चलिए मामला क्या है, देखिए 1 नवंबर 2021 को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सारी ट्रॉफीज दिए, जितने भी विनर्स थे उनको बुलाया है, एक सेरेमनी कंडक्ट किया न्यू दिल्ली में और ये सारे अवार्ड्स फिजिकली दिए गए हैं, राइट, जिसके अंदर ट्रॉफीज आती हैं, आपके कैश प्राइज तो हालांकि पहले ही दे चुके थे, स्टैट्यूज, एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाती है, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा 74 नेशनल अवार्ड्स अवार्ड किए गए जिसमें 27 अर्जुन अवार्ड, 5 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शामिल हैं। आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की प्लेयर्स की लिस्ट लास्ट ईयर अनाउंस किए गए थे। रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला था, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस, मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स के लिए, विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए एंड रानी रामपाल हॉकी। ये सारे प्लेयर्स को आप लोगों ने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा होगा, काफी चर्चा का विषय रहे हैं क्योंकि भारत को इन सभी सारे प्लेयर्स से काफी मेडल की उम्मीद थी, राइट। रोहित शर्मा, क्या देखिए ओलंपिक्स में क्रिकेट तो आता नहीं है तो रोहित शर्मा को आप T20 वर्ल्ड कप में देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए हाल ही में लास्ट मंथ पीएम मोदी ने आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, कांग्रेस ने कुछ कहा, बीजेपी ने कुछ कहा। कांग्रेस का कहना था कि अगर आप स्पोर्ट्स आइकन के नाम पे ही स्टेडियम्स के नाम रखना चाहते हैं या कोई भी अवार्ड के नाम रखना चाहते हैं तो आप जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, राइट, अहमदाबाद में, उसका नाम भी बदल दीजिए। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी टाइप की, ऐसे जब नाम चेंज होते हैं तो बड़ा चलता रहता है, जब से बीजेपी पावर में आई है नाम चेंज, नाम बदलने का एक अलग ही सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए अब बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, क्योंकि जो समय में चल रहा है वही हमें पालन करना है। बीजेपी पावर में है, उन्होंने नाम चेंज किया है तो नाम चेंज नाम ही हमें याद रखना है क्योंकि फ्यूचर में शायद यही नाम चलेगा और आपको इसी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल देखने को मिलेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 5 प्लेयर्स को दिया गया है इस साल, 25 लाख का कैश प्राइज के अंतर्गत आता है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड ये माना जाता है। 1991-1992 में एस्टैब्लिश किया गया था और पहले रेसिपिएंट थे इसके विश्वनाथन आनंद, यही आपके एमसीक्यू का आंसर भी है। कुछ फेमस प्लेयर्स की बात करें जिन्हें यह अवार्ड मिला है, लिएंडर पेस टेनिस से, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मैरी कॉम एंड रानी रामपाल। क्लियर, चलिए याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नया नाम है। आगे बात करेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर 4 ईयर्स। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 टू रिकॉग्नाइज
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स, अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स की, जिनकी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उन्हें ये अवार्ड किया जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के आने से पहले इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड अर्जुन अवार्ड ही था, जिसे 1961 में शुरू किया गया था। आप याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड पहले आया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाद में आपको देखने को मिलता है। इसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज स्टैट्यूट दिया जाता है अर्जुना का, राइट। पहले जो अवार्ड थे अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ये महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम पे ये अवार्ड के नाम रखे गए थे, क्लियर। चलिए, नॉट मोर देन 15 अवार्ड्स आर गिवन एवरी ईयर, हर साल 15 अवार्ड से ज्यादा इसमें अवार्ड्स नहीं दिए जाते। कभी कभी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे कि सर इस बार 27 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। बेटा ये एक्सेप्शन है, राइट, इस साल ही एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा और कई अलग अलग सालों में ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए, अर्जुन अवार्ड के कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम की बात कर लें। अतानु दास आर्चरी, आपने ओलंपिक्स में इन्हें देखा। दूते चंद एथलेटिक्स से, लवलीना बोरगोहेन, जिनका नाम काफी फेमस नहीं था पर 2020 ओलंपिक्स के बाद ये इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि बॉक्सिंग में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अदिति अशोक, कोई भी इनका नाम नहीं जानता था 2020 ओलंपिक्स में, इन्होंने गोल्फ में भारत को फोर्थ प्लेस दिलाई थी। गोल्फ में जिससे भारत को कोई उम्मीद नहीं रहती गोल्फर्स से, पर अदिति अशोक ने अपना नाम यहां पर बनाया है और अगली बार जब भी आपको ओलंपिक्स देखने को मिलेंगे उसमें अदिति अशोक पे सभी की निगाहें होने वाली है। मनु भकेर एंड सौरभ चौधरी दोनों ही शूटिंग को बिलोंग करते हैं, राइट, भारत के एक प्रमुख प्लेयर्स है, शूटर्स, प्रमुख शूटर्स हैं जिन पे भारत की नजर हमेशा लगी रहती है, कोई भी इवेंट में ये लोग जाते हैं। और बात करें राहुल अवारी की जो कि रेसलिंग से हैं, राइट, कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम जिन्हें अर्जुन अवार्ड इस साल दिया गया है। आगे बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड की, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, जो भी कोचेस हैं, जो भी जिनके भी बच्चे, ट्रेंड बच्चे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अब जीत के आते हैं, उन कोचेस को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किया जाता है। पहली बार 1985 में से इंस्टीट्यूट किया गया था। और किन किन तीन प्लेयर्स को यह दिया गया था, बालचंद्र भास्कर भागवत जो कि है रेसलिंग से, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग से, एंड ओएम नाम्बिया जो कि एथलेटिक्स से थे। इन तीनों प्लेयर को 1985 में यह अवार्ड दिया गया था। इसके अंदर आपको 15 लाख रुपए का कैश प्राइज देखने को मिलेगा, एक ब्रॉन्ज स्टैट्यूट है द्रोणाचार्य की, और नॉट मोर देन 5 अवार्ड्स आर अवार्डेड एवरी ईयर, हर साल 5 अवार्ड इससे ज्यादा इसे अवार्ड नहीं किया जाता। इसमें आपको कभी कभी एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे, क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड की। ध्यानचंद अवार्ड इज फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिये, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड में ये डिफरेंस है कि ये जो है ये लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, जिन भी व्यक्ति ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, उन लोगों को ये अवार्ड किया जाता है। पहली बार 2002 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। 10 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज होता है, राइट, एक सर्टिफिकेट है, एक सेरेमोनियल ड्रेस देखने को यहां पर आपको मिलेगी। नॉट मोर देन 3 अवार्ड्स आर अवार्डेड, हर साल 3 अवार्ड से ज्यादा इसमें इस कैटेगरी में अवार्ड्स नहीं दिए जाते। आप फर्स्ट रेसिपिएंट्स की बात करें, 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया था, साहूराज बिराजदार जो कि बॉक्सिंग से थे, अशोक दीवान हॉकी से, अपर्णा घोष बास्केटबॉल से, राइट। याद रखिएगा 2002 में ध्यानचंद अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। आगे बात करेंगे, जल्दी से हम लोग अपने एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज, पहले व्यक्ति जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था कौन थे। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद, जिन्हें पहली बार 1992 में यह अवार्ड दिया गया था जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद नाम है, याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।